Hey. Chicken, ये था छोटा सा एक एक्सीडेंट जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। ये सेफ्टी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अगर कैसे भी अगर आप ड्राइव करोगे तो यही चीज़ होगी। रोड्स काफ़ी छोटे हैं, स्टिल डेवलप हो रहा है एरिया पूरा, एंड रोड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस गाइस आर मेकिंग अ रोड। सो मेंटेन करो चीज़ों को, एंड दिल्ली में जब आते हो तो गंदगी मत करो। बिकॉज जब मैंने यहाँ पे जब आके देखा तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग ने पेपर्स फेंका है, टिश्यूज़ फेंका है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मत करो यहाँ पे आके। रास्ते में जाते जाते आप लोगों को कुछ ऐसा एकदम खतरनाक व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कैजुअलिटी हो गई है छोटी सी, जो कि हमारे जो टूर मेंबर है सुफियान, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पे आके। सो स्पीकिंग ऑक्सीजन ले रहा है भाई साहब, देखते हैं अभी भाई साहब की तबीयत कैसी होती है। सी टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑक्सीजन लेते रहे भाई, तो अच्छा फील होगा। एंड जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे हैं डॉर्जे साहब। डॉर्जे इज लाफिंग बट स्टिल बहुत ही अच्छा है। तो सुफियान का ऑक्सीजन लेके हो गया। सुफियान आपको कैसा फील हो रहा है भाई ऑक्सीजन लेने के बाद? दर्द है भी। दर्द कहाँ? दर्द है भाई आपको कहाँ? दर्द है बैक साइड। बैक साइड में पूरा क्लियरली बोलो, बैक साइड किधर? बैक साइड बहुत होते हैं भाई। बैक साइड सर के बैक साइड। सर के बैक साइड में आपको पेन है। एक मेंटेलिटी उसका सेट हो गया कि भाई मैं ले आया तो मेरे को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो 50% ऑक्सीजन अभी हमने उसको दे दिया है, तो ऑलमोस्ट उसके बाद अभी हो गया 100% ऑक्सीजन। आई होप सुफियान का जो सर का दर्द है वो कम हो जाए। सुफियान का भी देखो 50% ऑक्सीजन मिल गया उसको, जो कि टोटल हो गया 100%, तो अभी उसका जो सर का दर्द है वो खत्म हो गया है। सो एकदम टकाटक हो गया अभी। Sufyan is taking a selfie by himself and some people are checking their luggage. Nubra जाते वक्त हमें मिलता है ATV, जो ATV बाइक होता है, हम लोग अभी वो बाइक चलाएंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 3 किलोमीटर का होता है ये, जो हमें बाइक राइड करना होता है। सो इट विल कॉस्ट अराउंड 1000 rupees फॉर 3 kilometers, एंड अब 1000 rupees में आप दो बंदे बैठ सकते हैं उसके अंदर साथ में। सो अभी हम दो जन बैठेंगे एंड ATV राइड करेंगे, देखते हैं कैसा है।
इट वॉज काइंड ऑफ लाइक डेजर्ट सफारी जैसा होता है. तो यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है हिमालयन एडवेंचर सफारी. सो ट्राई करते हैं. सो यहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि ये उन्होंने कुछ दिया है. तो जैसे कि अभी हमने न्यूब्रा वैली जो है कवर किया है, एंड न्यूब्रा वैली जो था हमारा, जैसे कि बैक मेरे बैक साइड में एक न्यूब्रा वैली है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. न्यूब्रा वैली हमारा हो गया कवर, तो एक टाइम बच गया था तो हम आ गए डिस्के मॉनेस्ट्री में. तो वो हम आप, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मॉनेस्ट्री क्या है. डिस्के मॉनेस्ट्री आप देख सकते हो मेरे ऊपर ही ये पूरा मॉनेस्ट्री है. सो ये है पूरा न्यूब्रा वैली, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम टी वी कर रहे थे, वो भी पूरा न्यूब्रा वैली का ही पार्ट था. सो ये सारा चीज़ें न्यूब्रा वैली के अंदर आता है. सो आप लोग देख सकते हो कि माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एंड स्काई टू. सो यहाँ से आ रही है सनलाइट, एंड ओके, एंड आप लोग नॉइस सुन सकते हैं, झरने का नॉइस कितना है. ओके, सो ये है हमारा डिस्के मॉनेस्ट्री. सो चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिखा दो डिस्के मॉनेस्ट्री. सो ये हमारे मॉन्क्स. हाय. तो ये पूरा है एरिया न्यूब्रा वैली, एंड हमें वहाँ पे भी जाना है, बट देखते हैं अभी एनर्जी बचती है क्या नहीं. अगर एनर्जी बचती है तो हम लोग वहाँ जाएंगे, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप, बट देखते हैं. सो ये पूरा व्यू है न्यूब्रा वैली का यहाँ पे, एंड ये है उसके अपोजिट में टेम्पल.
डिक्सी मॉनेस्ट्री। So this is a monastery. Once again, Dalai Lama. So ये टेम्पल एक है और एक ऑफरिंग, ये भी इनका एक में से एक प्रेयर रूम है, वुडन मेड है एंड इट्स तो फाइनल हम पहुंच गए इसके मॉनेस्ट्री, उसके बाद जाएंगे हम वहाँ पे 130 फीट के ऊपर है, वहाँ पे पूरा कॉपी पढ़ने, उसके बाद हम जाएंगे होटल। एंड ऑर्जन ने मुझे काफ़ी अच्छा कॉपी किया है इसके अंदर, काफ़ी मुझे वो देख रहा है कि एक बंदा करता कैसे क्या कैमरे के साथ कैसा करता है, तो उसने एग्जैक्टली वैसे ही इसको कॉपी किया। लंबा स्टैचू का अराउंड 120 फीट का स्टैचू है ये। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ का व्यू कितना ऑसम है। जहाँ पे मैं गया था इसकी मॉनेस्ट्री, सॉरी। सो ये पूरा यहाँ से प्रॉपर आपको व्यू मिल रहा है नुब्रा वैली का, ये जो पूरा पार्ट है वो नुब्रा वैली है। चंपा का स्टैचू, द ग्रेट चंप। सो ये इसका एरिया है, एक कुछ क्राउड्स है यहाँ पे। सो चंपा का स्टैचू विच इज 120 फीट का चंपा का स्टैचू है एंड यहाँ पे कुछ क्यूट्स बच्चे भी हैं जो रो रहे हैं। आई So, कल जहाँ हम जाने वाले हैं वो जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आई होप आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मच लव, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।